अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस आसानी से मिल जाएं। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ काली मिर्च से बीफ हांडी। ये आप सहरी में बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनेगी ये, ट्राई आपने ज़रूर करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपने लेने हैं प्याज स्लाइस किए हुए, ये डालेंगे हम एक पॉट में, और साथ में डाल दिया मैंने टमाटर, और इसके साथ ही आपने डाल देना है बीफ आपने विद बोन लेना है। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, उसके बाद इसमें जाएगा धनिया पाउडर, क्रश धनिया सॉरी, और उसके बाद इसमें डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें वाटर, पानी आपने इसके अंदर डाल देना है, और उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है जब तक कि ये गल जाएगा। पहले मैं इसको मिक्स करती हूँ, पहले आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है, ठीक है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है लो फ्लेम पे इतनी देर के लिए कि आपका बीफ भी गल जाए और बाकी चीज़ें भी गल जाए, बीफ तो गल जाएगा, और इसको आपने कवर कर देना है। तकरीबन आधा घंटा लगेगा और ये बिल्कुल सारा कुछ मिक्स हो गया और बीफ हमारा गल चुका है, ठीक है। इस स्टेज पे अब आपने इसमें ऐड करना है ऑयल, ऑयल डाल के आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। फ्राई आपने इसको कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। ये बहुत आसान है और बहुत आसानी से बनने वाला बीफ है, और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी ब्लैक पेपर पाउडर, और इसमें जाएगी वाइट पेपर पाउडर, और हम इसमें डालेंगे सॉल्ट एंड ज़ीरा, और इसमें जाएंगी लास्ट पे ग्रीन चिलीज़। अब आपने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तेज़ आंच पे फ्राई करना है थोड़ा सा पानी डाल के, और ये देखें आफ्टर 5 to 7 मिनट्स बिल्कुल ये रेडी है। इसके अंदर आपने ऊपर से ग्रीन कोरिएंडर डाल देना है। कितनी आसानी से देखे बन गई, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।